नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। दोस्तों, आज की इस वंडरफुल वीडियो में हम बात करेंगे मोदी केयर की जलवा 2023 की डोमेस्टिक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के जो कोडिलिया क्रूज ट्रिप है हमारा, उसके अंदर हुए एक बेहतरीन बदलाव के बारे में। कुछ एग्जाम्पल से जानेंगे कि किस तरह से ये जो बदलाव है हमारे लिए काम करेगा और किस तरीके से इस क्वालिफिकेशन को हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्राइटेरिया कैसे हैं, इस नए अपडेट की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो दोस्तों कोडिला क्रूज की जो क्वालिफिकेशन है उसका टाइम आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये 8 महीने की हमारी जो है वो क्वालिफिकेशन पीरियड है। मई 2023 से ही हमारी क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुई थी और दिसंबर 2023 का इसका जो है वो एंड मंथ रहेगा। अब शुरुआत के एग्जाम्पल के अंदर हम लोग जो समझेंगे वो इस तरीके से समझेंगे कि मई 2023 में जिन लोगों ने शुरुआत कर दी थी उन लोगों को टोटल क्वालिफाइड जो लैग काउंट करनी है वो टोटल 18 करनी है। अब कल शाम को जब से ये अपडेट आई है तो एक्चुअली कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि टोटल नंबर्स ऑफ लैग कैसे काउंट होंगी और ये 18 और 20 का क्या चक्कर है और एक महीने में दो कैसे करेंगे, कौन से मंथ क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इन एग्जांपल्स के द्वारा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा कोडिलिया जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। तो सबसे पहले ये क्वालिफिकेशन का जो एग्जाम्पल है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मई के शुरुआती मंथ में कंपनी की तरफ से जब एक नई जो ऑफर दी गई थी जिस टाइम पे कि सिर्फ दो क्वालिफिकेशन लैग के साथ में आपको एक मंथ की क्वालिफिकेशन मिल रही थी, उस ड्यूरेशन के अंदर जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया था उनके लिए ये एग्जाम्पल है। अब सपोज करिए कि आप लोगों में से किसी पर्सन ने भी मई 2023 के अंदर 2 लैग 5,000 जीबीवी की करी थी और अपना 3,000 पर्सनल किया था तो वो मंथ उनका क्वालिफाई माना गया था। इसके बाद में टोटल अगर कोई भी पर्सन जून में 4 लैग कर लेता है, जुलाई में 4 लैग कर लेता है, अगस्त में 4 लैग कर लेता है और सितंबर में 4 लैग कर लेता है तो टोटल उसकी 16 लैग हो गई 4 महीने में और 2 उसकी मई में हो गई, तो टोटल 18 लैग इस तरीके से ये काउंट होंगी। और टोटल 5 महीने में अगर 18 लैग आपने क्वालिफाई कर ली तो आप कोडिलिया के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो जिस महीने आप जितनी लैग क्वालिफाई करेंगे वो लैग आपके नंबर्स ऑफ टोटल जो है वो काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन कंसीडर दोस्तों किया जाएगा 5 महीने के ड्यूरेशन के। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें कि मई में आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया था 2 लैग के साथ लेकिन जून में स्किप कर दिया और ये ऑप्शन कंपनी ने शुरुआत से ही दिया गया कि कोई 5 महीने में आप 8 में से आप टोटल इस तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। तो जून में स्किप करने के बाद में आपने जुलाई में कर लिया, अगस्त में 4 लैग कर ली, सितंबर में 4 लैग कर ली, अक्टूबर में 3 लैग आपने करी और नवंबर में 4 लैग कर ली, तो ये टोटल 5 महीने वो कंसिडर किए गए हैं जिसके अंदर टॉप क्वालिफिकेशन लैग थी। अगर आप टोटल 5 महीने के अंदर 4-4 लैग कर लेते हैं तो वो भी आपकी सारी मानी जाएंगी और मिनिमम अगर कोई भी 2 लैग अगर आप कर लेते हैं जैसे कि अक्टूबर के अंदर दिखाया गया है तो वो 3 लैग भी मानी जाएंगी, 4 भी मानी जाएंगी, मिनिमम 2 लैग मानी जाएंगे, मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो सकती है। यहाँ 5 मंथ में टोटल 19 लैग क्वालिफाई हो गई तो ये पर्सन भी एलिजिबल हो जाता है क्योंकि इसने शुरुआत में मई के महीने के अंदर 2 करी थी तो उसका वो क्वालिफिकेशन मान लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे एग्जांपल की, तो तीसरे एग्जांपल में मई में पर्सन ने 2 लैग के साथ क्वालिफाई किया लेकिन जून में भी 2 के साथ किया और जुलाई में भी 2 के साथ किया, तो जो जून और जुलाई है वो दोनों छूट जाएंगे क्योंकि वहां पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 4 लैग का था लेकिन मई कंसिडर किया जाएगा, फिर अगस्त में 5 लैग के साथ किया और फिर सितंबर में 6 लैग के साथ किया और अक्टूबर में 6 लैग के साथ किया, तो टोटल जो हो गया 4 ही महीने में इनकी जो है वो 19 लैग हो गई है। तो 19 लैग की क्वालिफिकेशन के द्वारा इनका जो टाइटल है वो कोडिलिया जो वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। ऐसे एक चौथा एग्जाम्पल आप और देखते हैं, मई महीने में 2 लैग के साथ क्वालिफाई किया, जुलाई महीने में 2 लैग के साथ क्वालिफाई किया और फिर अगस्त और सितंबर 2-2 लैग के साथ क्वालिफाई किया और अक्टूबर में 4 करी, नवंबर में 5 करी और दिसंबर में 4 करी, तो टोटल जो लैग क्वालिफाई हुई वो हुई 17 क्योंकि इन 8 में से कोई भी 5 मंथ माने जाएंगे और कंपनी के अकॉर्डिंग 5 वो मंथ माने जाएंगे जिन मंथ में अपने मैक्सिमम लैग्स को क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे टोटल लैग जो होती हैं वो 17 होती हैं जबकि करनी इनको कितनी थी 18 क्योंकि इन्होंने मई में शुरुआत कर ली थी, तो ये पर्सन जो है वो नॉन क्वालिफाइड माना जाएगा कोडिलिया क्रूज के लिए। ये एग्जाम्पल था दोस्तों उन लोगों के लिए जिन्होंने मई मंथ के अंदर शुरुआत करी थी।
अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिन्होंने जून से शुरुआत की या जून के बाद में किसी भी महीने से शुरुआत की, तो उनको टोटल क्वालिफाइड लेग कितनी चाहिए, उनको 20 चाहिए। तो जिन्होंने मई में शुरुआत किया उनके पास 2 लेग का एक्स्ट्रा एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कंपनी के जो स्टेप था उसके अंदर अपने आप को रखा, एनरोल किया। तो अब जो जून या जून के बाद के एनरोलमेंट थे उन लोगों के लिए टोटल क्वालिफिकेशन रहेगी 20 लेग की। अब ये 20 लेग कैसे क्वालिफाई मानी जाएंगी, फर्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं। जून में 4 लेग करी, जुलाई में 2 लेग करी, अगस्त में 5, सितंबर में 6 और अक्टूबर में 3। तो ऐसे अगर इन्होंने 5 महीने में टोटल 20 लाख क्वालिफाई कर ली तो ये कोडिलिया के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ऐसे दूसरे एग्जांपल में समझते हैं। दूसरे एग्जांपल में किसी ने जुलाई महीने के अंदर 4 लाख करी, अगस्त में 4 करी, सितंबर में 4 करी, अक्टूबर में 3 करी, तो 3 भी काउंट होंगे क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कितना है 2। नवंबर में 5 करी, टोटल इनकी 5 महीने के अंदर 20 हो जाती हैं और 20 के साथ में ये कोडिलिया के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगेन तीसरे एग्जांपल में समझते हैं, जिन्होंने मई जून जुलाई से शुरू ही नहीं किया, उन्होंने अगस्त से ही शुरू किया। अगस्त में उन्होंने 4 करी, सितंबर में 6 करी, अक्टूबर में 6 करी, नवंबर में 6 करी, टोटल इनकी 22 लाख क्वालिफाई हो गई 4 महीने के ड्यूरेशन के अंदर ही, तो इनका कंप्लीट माना जाएगा। पांचवा एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, फोर्थ एग्जांपल सॉरी। शुरुआत करी अगस्त, अगस्त में 2 करते हैं, सितंबर में भी 2 करते हैं, अक्टूबर में भी 2 करते हैं, नवंबर में 4 करते हैं, दिसंबर में करते हैं 5। टोटल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई 15 लाख की 5 महीनों के अंदर। करनी थी दोस्तों 20, हुई 5, तो ये पर्सन जो है वो नॉन क्वालिफाइड माना जाएगा। तो इस तरीके से कोडिलिया क्रूज के लिए, अब आप लोगों में से कितने भी लोग ऐसे होंगे, जैसे कि मैं मेरी टीम का एग्जांपल अगर आप लोगों को बताता हूँ, मेरी टीम में लगभग 15 के आसपास लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत के 3 महीने कंप्लीट कर लिए। अब उन लोगों ने शुरुआत में मई में 2 लोगों की क्वालिफिकेशन करी और उसके बाद दूसरे महीनों में जो हमारा अभी जुलाई गया और जून गया उसमें 4-4 लोगों की करी, तो 4 और 4 8 और तो 10 लाख की वो क्वालिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर वो अगस्त और सितंबर 2 महीने में 4-4 लोगों को और क्वालिफाई करवा देंगे तो उनका कोडिलिया कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 1 महीना बीच में स्किप भी करते हैं और अगले महीने अगर वो 4-4 को करवाते हैं तो भी उनके 5 महीने माने जाएंगे। तो सिंपल सी भाषा के अंदर मैं दोस्तों आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मई से लेके दिसंबर तक टोटल जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है इसके अंदर आपको टोटल 5 महीने में जो है, जिन लोगों ने मई से शुरू किया था उनको 18 लाख क्वालिफाई करनी है और जिन्होंने मई में शुरू नहीं किया था उनको 20 लाख क्वालिफाई करनी है। जिस महीने आप जितने लोगों की लेग को क्वालिफाई करेंगे, 1 लेग के अंदर 5000 GBV होना चाहिए और दूसरी लेग के अंदर 5000 GBV होना चाहिए, तीसरी में 5000 GBV होना चाहिए। मिनिमम आप 1 लेग 1 महीने में 2 के साथ क्वालिफाई कर सकते हो, मैक्सिमम कितनी भी, और पर्सनल अपना 3000। ऐसे जो आपके 8 महीने में टॉप 5 महीने होंगे उन 5 महीनों का जो नंबर है वो काउंट किया जाएगा और वो क्राइटेरिया को अगर मैच करता हुआ होगा तो आप कोडिलिया क्रूज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे ज्यादा अगर कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप अपने एरिया ASM या अपने अपलाइन से बातचीत कर सकते हैं। इस पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के अंदर और अपना खुद का जो है वो कोडिलिया क्रूज क्रिप जो है वो क्वालिफाई करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। गुड मोदीकर मॉर्निंग।